आज हम लोग क्लास टेंथ के वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग क्लास नाइन्थ में भी पढ़ चुके हैं। पहले देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर बनी। परिमेय और अपरिमेय संख्या के अलावा पाँच छह प्रकार की और संख्या होती है जिसको हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिस प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या हमारा गिनती को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि जो एक से स्टार्ट होती है। के बाद आती है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में हम लोग जीरो को ऐड कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। जैसे कि अभी बताया हूँ, अगर हम लोग नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा होल नंबर, यानी पूर्णांक संख्या, इसको इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर में हमारी प्राकृत संख्या में माइनस का साइन लगेगा तो उसमें हो जाएगा इंटीजर नंबर, नंबर में जीरो और पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या मिलकर बनता है पूर्णांक संख्या, यानी कि इसमें ऐसा है लेफ्ट साइड में भी अलग कर जाएगा और राइट साइड में भी अलग कर जाएगा। वन टू थ्री फोर, और इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। इसके बाद आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर वे संख्याएं होती है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि p बटा q, जहाँ q इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि मतलब अगर हर में जीरो रहेगा तो संख्याएं परिभाषित नहीं होती है, वो अनडिफाइंड हो जाती है, इसलिए q इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर यानी कि जैसे कि रूट टू रूट थ्री फाइव इत्यादि संख्याएं होगा, इसमें इरेशनल नंबर पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पी बटा क्यू के रूप में से अगर परिमेय संख्या हम उदाहरण देंगे तो जैसे हो जाएगा वन बाई टू थ्री बाई टू इत्यादि। जैसे कि अभी बताए वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर बनती है। वास्तविक संख्या में दो वास्तविक संख्या के दो गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला युक्त
trabajar en algoritmos. Euclid had an algorithm of the Janus Param, Euclid, if you had a Pramega Kabaramidan. And a Pramega ka definition of the day. Is a man in a Pramega kya. Euclid had a Pramega for you, Hamara Euclid had an algorithm of Arika. Pramega. प्रमेयता एक सीध किया हुआ कथन है प्रमेयता एक सीध किया हुआ कथन है किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में होता है दूसरे कथन को सिद्ध करने में होता है यूक्लिड जो मैथमेटिशियन है वो यूनान के थे ये यूनान के प्रथम गणितज्ञ थे यूक्लिड प्रथम में नानी गणित गए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमें कोई दो संख्याएं दी रहती है मान लीजिए कोई संख्याएं हैं और कोई संख्या भी अगर संख्या ए को बी से विभाजित किया जाता है तो क्यू क्यू धनात्मक पूर्णांक संख्या मिलती है और आर हमें एक शेषफल प्राप्त होता है यानी कि जैसे यूक्लिड विभाजन का हम जो रूप होता है वो ए इक्वल बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है जैसे मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या 25 है इसे साइड में देखते हैं अगर हम इसे r से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा और 1 से शेषफल बचेगा इसमें 25 जो है सबसे बड़ी संख्या है यानी कि इसे a मानेंगे और 8 है b है और q इक्वल 3 है और r इक्वल 1 अगर हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखे तो यानी कि होता है a इक्वल टू bq प्लस r a इक्वल bq प्लस r इसमें जो a होता है वो बड़ी संख्या होती है b छोटी संख्या और आर शेषफल बताएं यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग एचसीएफ को निकालने में करते हैं अगर हम लोग इस ए इक्वल बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखे तो मान लीजिए ये है तो यानी कि 25 इक्वल बी यानी कि 8 इनटू 3 प्लस 1 ये हो जाएगा इसका एल्गोरिथम इस पर एक दो क्वेश्चन बनाते हैं जैसे मान लीजिए 455 और 42 है हमें इसका एचसीएफ एल्गोरिथम विधि से निकालना है तो सबसे पहले हम लोग
जो संख्या जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसे मानते हैं और जो छोटी संख्या रहती है उसे भी मानते हैं, यानी कि इसमें 455 बड़ी संख्या है तो इसे मानेंगे और 42 छोटी संख्या है तो इसे भी, ए इक्वल 455 हो जाएगा और बी इक्वल 42। अब एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, यानी कि इसमें 455 है तो 455 इक्वल 42 में ऐसी संख्या से गुणा कटेंगे जिससे अधिक से अधिक कटे। 42 में अगर धनात्मक पूर्णांक 10 से गुणा किया जाए तो अधिक से अधिक कटेगा और कम से कम शेषफल प्राप्त होगा, यानी कि 420 हो जाएगा और शेषफल बचेगा 102। 420 हो जाएगा और शेषफल बचेगा 35। फिर हम लोग 42 को लेंगे, 42 इसमें बड़ी संख्या है, फिर हम लोग 35 में ऐसे धनात्मक पूर्णांक से गुणा करेंगे जिससे कम से कम शेषफल प्राप्त हो, यानी कि 35 में 1 का गुणा करेंगे, 35 में 1 का गुणा करते हैं तो अब ये हो जाएगा 35 और 35 में 42 को माइनस करेंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 7। फिर 35 को लेंगे, 7 में ऐसे संख्या से गुणा करेंगे जैसे कि शेषफल 0 आ जाए, यानी कि 7 5 में गुणा करेंगे तो शेषफल 0 मिलेगा, यानी कि हमारा एचसीएफ हो जाएगा 7। यूक्लिड है विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए ये भाग विधि वाला ये तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाएगा, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो हमारा बी संख्या रहता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है, यानी जैसे यहाँ पर बी के रूप में 7 है तो हमारा एचसीएफ हो गया 7। एक 867 और 865 और 255 को लेते हैं, इसमें बड़ी संख्या है 867 और छोटी संख्या 255 है, इसका एलसीएफ निकालते हैं एल्गोरिथम विधि से, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि 855 इक्वल 255 में अब देखेंगे कैसे गुणा करती, जो 855 है वो अधिक से अधिक करते, यानी कि 255 में हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो 102 शेषफल प्राप्त होगा अधिक से अधिक कट कर। फिर हम लोग 255 को लेंगे, फिर 102 में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो कटे और शेषफल कुछ कम प्राप्त हो, यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 51। फिर 102 51 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा पूरा पूरा कट जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 51।